बीजेपी ने यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ मैदान में पूर्व कांग्रेसी नेता दिनेश प्रताप सिंह को उतारा है। दिनेश प्रताप सिंह की बात करें तो ये पिछले साल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में अपने भाई अवधेश सिंह के साथ बीजेपी में शामिल हुए थे। आपको बता दें कि दिनेश प्रताप सिंह 2016 में दूसरी बार MLC चुने गए थे। उनकी विधानसभा सीट में रायबरेली और अमेठी की 18 ब्लॉक आते हैं और इन सभी ब्लॉक में उनका अच्छा प्रभाव माना जाता है। पिछले साल बीजेपी में शामिल होने के बाद दिनेश प्रताप सिंह ने कांग्रेस पर तीखा हमला किया था। पिछले साल दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली में बीजेपी को एक परिवर्तन संकल्प रैली के मंच पर बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह के साथ नजर आए थे। इस दौरान योगी आदित्यनाथ और वरिष्ठ बीजेपी नेता भी मौजूद रहे थे। तो अब माना जा रहा है कि बीजेपी की ओर से कांग्रेस की सोनिया गांधी को ये टक्कर देंगे और हो सकता है, इनका कहना है, बीजेपी का कहना है कि सोनिया को मात भी दे सकते हैं।